हाँ तो गाइस, अब हम देखने वाले हैं जो पैराग्राफ का हमने पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया, उसका अब हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है रेफरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं संदर्भ। सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, जिसको हिंदी में संदर्भ बोला जाता है। और रेफरेंस में लिखा क्या जाता है कि ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पैसेज है या फिर स्टैंजा है, वो किस किस लेसन से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो जैसे हिंदी में हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक फला के फला नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता फला है। तो उसी तरह से हम इंग्लिश में भी लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। These lines have been taken from the lesson तो सबसे पहले हमें लिखना है these lines, यानी कि ये पंक्तियां have been taken, ली गई है from the lesson पाठ से। और इसके बाद हमें lesson के बाद lesson का नाम लिखना है, और lesson का नाम जब भी लिखेंगे उसको या तो ब्लैक पेन से लिखा जाए या फिर उसको अंडरलाइन कर दिया जाए नीचे। तो lesson का नाम है the secret of health, success and power। और इसमें जहां तक हो सके जितने भी नाउन दिए गए हैं लेसन के नाम में, उसका पहला लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। जैसे द तो स्टार्टिंग हुआ तो ठीक कैपिटल लिखा गया, सीक्रेट में एस कैपिटल है, ऑफ प्रीपोजिशन है इसमें नहीं कैपिटल करेंगे, हेल्थ में एच कैपिटल लिखा गया है, सक्सेस में एस कैपिटल है, और एंड एक कंजंक्शन है इसमें भी कैपिटल नहीं किया गया है, पावर में पी कैपिटल लेटर। और इसके बाद हमें लिखना है कि ये इसको लिखा किसने है, और इसके लेखक है जेम्स एलन। तो अगर ये प्रोज का है तो हम यहां पे लिखते हैं रिटन बाय, लेकिन अगर पोएट्री का है तो लिखा जाता है कंपोज्ड बाय। ये प्रोज का है इसलिए हम लिखेंगे रिटन बाय। और इसके बाद हमें लेखक का नाम लिखना है तो हम लिखेंगे जेम्स एलन। तो ये पूरा इसका रेफरेंस हो गया, इसमें बताया गया कि ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं और इसके लेखक कौन है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, इतना सभी लोग याद कर लेंगे अच्छे से बिल्कुल, क्योंकि सभी चैप्टर में अगर हमें रेफरेंस लिखना है तो उसका स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही होगा, बस केवल लेसन का नाम और राइटर का नाम चेंज होता जाएगा, बाकी सब सेम वही रहेगा रेफरेंस में। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर रिटन बाय जेम्स एलन। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को होती है कॉन्टेक्स्ट ही लिखने में, और इसमें वो पता नहीं चलता है कि क्या इसका कॉन्टेक्स्ट लिखा जाए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ होता है, कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्रसंग होता है, वो प्रसंग में हमें लिखना है कि ये किस बारे में बात कही गई है, इस पूरी पंक्तियों में किस विषय पर बात हुई है, वही सब्जेक्ट हमको बताना है किस विषय पर बात हुई है। और जैसा कि इसके लेसन के नाम से क्लियर है कि इसमें स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के रहस्य के बारे में बताया गया है, तो हम उसी को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे कि इन दीज लाइन्स अर्थात इन पंक्तियों में, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल अस, अर्थात इन पंक्तियों में लेखक हमें बताता है, टेल अस हमें बताता है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। तो ये इसका हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल अस द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। अब इसके बाद हमें लिखना है एक्सप्लेनेशन, जिसको हम हिंदी में व्याख्या या फिर वर्णन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन यानी कि अब हमें इसका व्याख्या लिखना है, और एक्सप्लेनेशन में हमें करना क्या है, जो बातें राइटर ने अपने हिसाब से लिखा है उसी को हमें सेंटेंस वाइज ऐसे बैठाना है कि वो किसी एक टेंस का वाक्य बन जाए, और ज्यादातर इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके लिखना चाहिए, चाहे वो उसका कॉन्टेक्स्ट हो या फिर एक्सप्लेनेशन हो, तो उसमें हमें अधिकतर
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है। यहाँ पे हम टेल में एस लगा देंगे क्योंकि ये राइटर सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाया गया है। तो एक्सप्लेनेशन भी हम ज्यादातर कोशिश करेंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से ट्रांसलेट किया जाए। तो इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है, पहला सेंटेंस स्टार्ट हुआ है कि वेयर देयर इज स्टार्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी देयर इज हेल्थ देयर सक्सेस एंड देयर इज पावर। यानी कि जहां दृढ़ विश्वास और कभी ना मिटने वाली पवित्रता होती है वहीं स्वास्थ्य सफलता और शक्ति होती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमें लेखक समझाना क्या चाहता है कि यदि हम दृढ़ विश्वास रखते हैं और अपने हार्ट को अपने हृदय को पवित्र रखते हैं तो हम स्वस्थ होंगे, सफल होंगे और शक्तिशाली होंगे। तो बस यही चीजें जो लेखक कहना चाहता है, जो हमें समझाना चाहता है, वही बातें हमें इंग्लिश में यहाँ पे लिखनी है, उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर यानी लेखक के अनुसार, इफ वी हैव, यदि हम रखते हैं, यहाँ पे हैव कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे हैव मेन वर्ब है, इसका मतलब है रखना। इफ वी हैव, यदि हम रखते हैं, क्या रखते हैं, दृढ़ विश्वास, फर्म फेथ। और इसमें ज्यादातर जो लेखक लोग टफ वर्ड का यूज करते हैं उसके स्थान पे हमें ऐसे मीनिंग का यूज करना चाहिए जो ज्यादा फेमस हो, जिसको ज्यादातर लोग जानते हो। जैसे यहाँ पे स्टर्लिंग वर्ड आया हुआ था और स्टर्लिंग की जगह पे हमने दृढ़ के लिए फर्म का यूज किया, फर्म फेथ, ये ज्यादा फेमस है। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर इफ वी हैव फर्म फेथ, लेखक के अनुसार यदि हम दृढ़ विश्वास रखते हैं एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी दिया गया है और यहाँ पे हम करेंगे एंड अस्थाई के लिए हम यहाँ पे स्टिल का यूज कर सकते हैं या फिर स्मूथ का यूज कर सकते हैं एंड स्मूथ प्योरिटी ऑफ हार्ट और हृदय की पवित्रता रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, इफ वी हैव फर्म फेथ, यदि हम दृढ़ विश्वास रखते हैं एंड स्मूथ प्योरिटी ऑफ हार्ट और हृदय की अस्थाई पवित्रता रखते हैं तो हम स्वस्थ होंगे। तो इसके लिए हम स्वस्थ होंगे, वी विल बी, हम होंगे, क्या होंगे, स्वस्थ होंगे अर्थात हेल्दी होंगे। और सफल होंगे, सफल के लिए हम यहाँ पे सक्सेसफुल का यूज करेंगे। जितने भी ज्यादा फेमस वर्ड होते हैं उसी का हमें यूज करना चाहिए इसमें। तो हम यहाँ पे सक्सेसफुल का यूज करेंगे सफल के लिए और शक्तिशाली होंगे इसके लिए एंड माइटी, बस यहाँ पे पावरफुल भी कर सकते हैं अगर इसको और भी फेमस वर्ड का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे पावरफुल कर सकते हैं। तो ये केवल पहले सेंटेंस को भी हमने एक्सप्लेन किया कि यदि हम दृढ़ विश्वास रखते हैं और अस्थाई मन की पवित्रता रखते हैं तो हम हेल्दी होंगे यानी स्वस्थ होंगे, सक्सेसफुल होंगे और पावरफुल होंगे। अब इसके बाद कहा गया है, इन सच अ वन डिजीज फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉस मैन, अर्थात ऐसी स्थिति में बीमारी, असफलता और मुसीबत का कोई भी स्थान नहीं होता है। दैट मीन्स यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हम ऐसा करते हैं, इफ वी डू दिस देर इज नो चांस, तो ऐसा कोई, ऐसी कोई बात ही नहीं है, देर इज नो चांस टू बिकम, यानी कि होने का, बीमार होने का, यानी कि इल होने का, फेलियर होने का और वीक होने का, कमजोर होने का एंड वीक। और इसका जो लास्ट वाला सेंटेंस है कि इन सच अ वन डिजीज फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉस मैन फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है फॉर ऑन विच दे कैन फीड, जिस पर ये पनप सकें। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे जगह तो बचा नहीं है, चलिए ठीक है, वाले हैं कि क्योंकि ऐसी परिस्थिति में
तो फॉर क्योंकि के लिए फॉर का यूज किया गया है। अगर फॉर ज्यादा ज्यादा लोग नहीं यूज करते हैं तो हम यहाँ पे बिकॉज का यूज कर सकते हैं। बिकॉज इन सच कंडीशन, ऐसी स्थिति में, क्योंकि ऐसी स्थिति में बीमारी, असफलता और मुसीबत के पनपने का कोई भी स्थान नहीं होता है। डिजीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन नॉट ग्रो। यहाँ पे हम पनपना के लिए ग्रो का यूज करने वाले हैं। उसमें फीड का यूज किया गया था चैप्टर में, यहाँ पे हम ग्रो का यूज करेंगे। अर्थात ये बढ़ नहीं सकते हैं, पैदा नहीं हो सकते हैं। तो बिकॉज इन सच कंडीशन डिजीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन नॉट ग्रो, क्योंकि ऐसे स्थिति में बीमारी, असफलता और मुसीबत उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो गाइज, इस तरह से हम इस पहले पैराग्राफ का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो फिर से एक बार इसको हम रिपीट करके बता दे रहे हैं। इसका जो रेफरेंस है, इस प्रकार से लिखेंगे, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर रिटन बाय जेम्स एलन, यानी कि ये पंक्तियां द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर नामक पाठ से ली गई है और रिटन बाय जिसको जेम्स एलन ने लिखा है। कॉन्टेक्स्ट में हमने लिखा, इन दीज लाइंस द राइटर टेल्स अस द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इन पंक्तियों में लेखक हमें स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के रहस्य के बारे में बताता है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन हमने लिखा, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, इफ वी हैव फर्म फेथ, यदि हम दृढ़ विश्वास रखते हैं, एंड स्मूथ प्योरिटी ऑफ हार्ट, और हृदय की अस्थाई पवित्रता रखते हैं, वी विल बी हेल्दी, तो हम स्वस्थ होंगे, सक्सेसफुल, सफल होंगे, एंड पावरफुल, और शक्तिशाली होंगे। इफ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, इफ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देयर इज नो चांस टू बिकम इल, फेलियर एंड वीक, तो बीमार होने का, असफल होने का और कमजोर होने का कोई चांस ही नहीं है। और लास्ट सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन यहां पे हमने लिखा, बिकॉज इन सच कंडीशन, क्योंकि ऐसी स्थिति में डिजीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉस्ट मैन, ये है, तो हमने लिखा डिजास्टर कैन नॉट ग्रो। So because in such condition disease, failure and disaster cannot grow, क्योंकि ऐसी स्थिति में बीमारी, असफलता और मुसीबत उत्पन्न नहीं हो सकते हैं।